मेरी बहुत सारी वीडियो में मैंने रेंच के बारे में बात करी, तो मेरे दिमाग में ये रहा कि शायद मैं रेंच पे वीडियो बना सक चुका हूँ। आज मुझे किसी ने कहा कि भाई तुम्हारी वीडियो कोई रेंच पे नहीं है, वो बना दो। तो मैंने कहा अच्छा, देखा तो वाकई नहीं है। वैसे तो मैं रेंच के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। उनमें से एक रेंच है ये एडजस्टेबल रेंच, और दूसरा है मेरे पास रेचेटिंग रेंच। इनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, पाइप रेंच पे भी बना चुका हूँ। इसका हर रोज़ जिक्र होता था, इस वजह से मैं इसको भूल गया। और मैं जिक्र कर चुका हूँ कि मैं इसको बनाऊंगा। ये मेरे पास हैं कुछ, इसको आप देखें यहाँ पे। ये मेरे पास रेंचेज हैं मुख्तलिफ किस्म के। ये स्टैंडर्ड भी हैं, मैट्रिक भी हैं, एंटी स्लिपरी भी हैं, एंटी स्पार्क भी हैं, स्टबी भी हैं, रिंग भी हैं, बोथ रिंग एंड भी हैं, कॉम्बिनेशन रेंच भी हैं, बोथ ओपन एंड भी हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के नाम और सब कुछ होता है जो कि ना इस वक्त मेरे पास ये मौजूद हैं। ये इतने सारे क्यों हो गए? जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो आपको इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं कि आपको वो ख़रीदते ख़रीदते वो पूरा सेट बन जाता है। इसमें बहुत सारे डुप्लीकेट भी हैं, बल्कि आम तौर पर ही डुप्लीकेट हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने कुछ चीज़ें अलग कर ली हैं ताकि मैं आपको इतने इनमें सब कुछ बताने की ज़रूरत पेश आए। ये मेरे पास कुछ रेंचेज हैं जो कि ना आपको इंडस्ट्री में काम आते हैं आएंगे। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, ये रेंच क्या है। ये इस किस्म का रेंच है, ये मुझे काटना पड़ गया, क्योंकि आपको बाज़ औक़ात रेंच को काट के भी इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको यही रेंच चाहिए इतनी शेप में मशीन के ऊपर, तो आपको अपना एक रेंच काटना पड़ गया, तो आपको ये भी करना पड़ सकता है किसी भी ब्रांड का। एक इसी तरह आप इसको देखें, इसको मैंने इलेक्ट्रिकल सॉरी हीट करके इसको मैंने बेंड किया हुआ है। ये एक मशीन पे मुझे काम करने के लिए इसी शेप में रेंच चाहिए, तो मुझको एक रेंच इस तरह करना पड़ गया। तो बाकी मैं आपको बताऊं कि ये है मेरे पास एक रेंच, इसको कहते हैं फ्लैट फ्लेयर नट रेंच सेट। इसकी शेप ऐसी होती है, इसके अंदर बोथ एंड। ये आमतौर पे इंस्ट्रूमेंटेशन वाले और पाइपिंग वाले इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे इसके अंदर वो ट्यूब होती है जिसके अंदर ये इस तरह जाके आप इसका नट इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसके अंदर चला जाता है। पाइपिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक ऑप्शन होता है। आमतौर पे इनकी जो डिग्री है ये 15 डिग्री का होता है। इसको ये चीज़ मैं आपको, तो ये तो खैर मैं आपको बता दिया, तो ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से भी कि ये फ्लेयर नेट इंस्ट्रूमेंटेशन वाले इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है इन रेंचेस के बारे में कि इनके अंदर जो एक ऑप्शन होता है वो आप ध्यान में रखिए हमेशा, कि ये जो रेंच होते हैं ये 5 डिग्री में होते हैं, सॉरी 0 डिग्री पे होते हैं। ये जो रेंच है ये 0 डिग्री पे है, अगर इसको मैंने रख दिया ये 0 डिग्री पे है। इसके अलावा ये 15 डिग्री पे होता है। 15 डिग्री का मैं आपको दिखाता हूँ कि 15 डिग्री में क्या होता है कि कोई सा भी रेंच यहाँ पर नहीं है, ये रहा नहीं, ये भी 15 नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी मेरे के लिए ये है 15 डिग्री। तो इसके अंदर आप ये देखेंगे ये जो पोर्शन है ये 15 डिग्री होता है। मैं इसको यहाँ से दबाऊँ तो ये जो उठा है ये 15 डिग्री बना, तो ये 15 डिग्री है। इसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन ये है, इसको अगर आप एंगल देखेंगे तो ये यहाँ से ये एंगल इस तरह बना हुआ है, इसको हम 30 डिग्री एंगल का कहते हैं। ये जो है मेरे पास, ये मेरे पास 45 डिग्री का या 60 डिग्री का है, मुझे इस वक्त इसके सही अंदाजा नहीं है कि ये 45 है या 60 लग रहा है मुझे, ये 60 एंगल पे ये बना हुआ है। तो इसके कितने एंगल होते हैं? 0 एंगल ये वाला, 15 एंगल, 30 एंगल, 45 एंगल, 60 एंगल के ये होते हैं। जब आप मशीन पे काम कर रहे होते हैं तो आपको इसकी सख्त ज़रूरत पेश आ रही होती है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके जो दोनों एंड हैं वो रिंग हैं, यानी क्लोज्ड कहलाएगा, क्लोज्ड ऑप्शन है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये दोनों सेम है लेकिन ये 0 डिग्री पे हैं, इसके दोनों एंड 0 पे हैं, लेकिन इसका वही चीज़ है लेकिन इसका एक एंड जो है वो तकरीबन 35 डिग्री पे 30 डिग्री पे है, और दूसरा अगर हम यहाँ से इसको करें तो भी 30 डिग्री पे बनता है। तो ये मुझे नहीं 30 डिग्री नहीं लग रहा, 30 डिग्री
शायद 30 डिग्री हो, ये 45 नहीं 30 डिग्री है। तो इसके अंदर और इसके अंदर ऑप्शन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको अगर मैं इस्तेमाल करूँ इसके अंदर रैचेटिंग में तो ये इस तरह इसको हम टाइट करते हैं, लेकिन अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो मुझे इसको सिर्फ पलटना होता है, यूं करके ऐसे पलटा तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर अगर मुझे इसको चलाना है इस रैचेटिंग को तो इसके अंदर ये लीवर होता है, इस लीवर को मैंने आगे पीछे करा तो ये इस लीवर से ये काम करेगा, मैंने इस लीवर को बंद करा तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये इसके अंदर ऑप्शन मौजूद हैं। सेम थिंग इसके अंदर मौजूद है वही चीज़ के इसके अंदर जो है ऑन एंड ऑफ का तरीका वही है कि ये इसकी एक डायरेक्शन है, लेकिन इसको मुझे इसको पलटने के लिए दूसरी डायरेक्शन पे इस तरह करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊं कि मेरे पास यही चीज़ जो है जिसको मैंने बताया कि इस तरह ओपन होता है, ये चीज़ मैंने बना के रखी हुई थी, ये भी ये 3/4 है, 3/4 90 mm के बराबर होता है। तो मैं इसको एक जगह इस्तेमाल कर सकता हूँ एक नट के ऊपर, लेकिन इसको कर सकता हूँ लेकिन इसको नहीं कर सकता। तो इसकी क्या वजह है, आपको इसकी वॉल दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ये थिकनेस ये वाली, बाज़ औक़ात ये नट में जाती नहीं है, ये बहुत चौड़ी है, तो आप इसको जब नट पे रखना चाह रहे होते हैं तो जगह ही नहीं बन रही होती। तो जो एक अच्छी क्वालिटी का होता है मिसाल के तौर पर ये चीज़ है, तो इसकी वॉल थिकनेस आप देखिएगा, वॉल थिकनेस कम होनी चाहिए, जितनी वॉल थिकनेस कम होगी उतना ही उसका मजबूत होना भी ज़रूरी है, लिहाजा वो महंगा भी होता है। ये इन्होंने प्लास्टिक प्लास्टिक चढ़ा रखी है, हैवी ड्यूटी तो है लेकिन ये काम ही नहीं करेगा क्योंकि जगह स्पेस नहीं है। तो ये भी एक ऑप्शन होता है जो कि आपको देखना पड़ता है, बाज़ औक़ात इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये मेरे पास दो हैं, ये रेंच के दोनों एंड जो हैं ये ओपन एंड कहलाते हैं, लेकिन ये जो है ये दोनों एंड इसके क्लोज कहलाते हैं, रिंग के अंदर होते हैं ये, इनका जो जो एंगल है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यही ये तकरीबन 30 डिग्री का लग रहा है मुझे, 30 डिग्री पर है ये, जबकि 0 डिग्री पर है, इसके दोनों एंड 0 डिग्री के मौजूद हैं, ये 30 डिग्री के मौजूद हैं। अच्छा ये चीज़ एक और है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे, तो मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताऊँ, 5/8 के अंदर ये वाली, इसमें और इसमें एक और है मेरे पास 5/8, मैं बताता हूँ आपको, ये यहीं रखा हुआ है, सॉरी ये 5/8, ये भी 5/8 है, ये भी 5/8 है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। इसको हम स्टबी कहते हैं, STUBY स्टबी, ये छोटे होते हैं, तो बाज़ औक़ात ये रेंच हम जहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहाँ ये काम नहीं कर रहा होता, और जहाँ इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहाँ ये काम नहीं कर रहा होता, ये मशीन के अंदर ही, मशीन के अंदर जो जगह होती है वो इतनी कम होती है कि ना आपको ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ जाती हैं। तो दोनों एक साइज़ के हैं लेकिन दोनों की साइज़ अलग है, बाज़ और होते हैं वो और एक्स्ट्रा लॉन्ग कहलाते हैं, उनका ये जो लिवरेज होता है वो और लंबा होता है, तो वो एक्स्ट्रा लॉन्ग चीज़ कहलाती है। मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये मेरे पास है, इसको भी रेचेट कहते हैं, ये 0 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, लेकिन ना ये चीज़ इसके मुकाबले में अगर हम इसको लेकर आएँ तो इसके अंदर एडजस्टेबल है, ये हम किसी भी एंगल के ऊपर इसको मोड़ सकते हैं इस वाले रेंच को, तो ये दोनों तरफ से काम कर रहा होता है, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, खासी इससे चोट बहुत लगती है क्योंकि ना आप इसको काम कर रहे होते हैं अचानक यूँ करके आपका हाथ हो जाता है, ये मेरी सारे उंगलियों पर निशानात हैं बहुत सारे इस तरफ, ये सब जो है मशीन हाथ से टकराने से ही हो जाता है, इसीलिए इसको जो है इनकी जो अच्छी क्वालिटी होती है वो कहलाती है एंटी स्लिपरी, यानी वो जब नट को पकड़ देती है तो वो स्लिप नहीं होता, इसी तरह एंटी स्पार्क होते हैं कि ये अगर हम इसको करें तो इसमें से चिंगारी ना निकले, क्योंकि अगर आप पेट्रोलियम में रिफाइनरी में काम कर रहे हैं वहाँ स्पार्क ना हो जाए कि मशीन में आग ना लग जाए, तो इस किस्म के वो मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो ये बड़ा हार्ड मटेरियल भी होता है, ऐसा कि ना इससे आग ना लगे, स्लिप ना हो आपके हाथों पे। इसके अलावा मेरे पास ये है, बोथ एंड है, ये आप देख रहे होंगे इसका एंगल 60 डिग्री का है इसके दरमियान में, तो बाज़ जगह पे आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि आपको जगह ही नहीं है, क्योंकि आपने नट पकड़ा नीचे इस तरफ एक और कोई प्लेट है लोहे की, तो आपको नट को यूं करके रखना है
ताकि आपको जगह बने, क्योंकि वरना जगह नहीं बन रही होती, तो आपको फिर इस किस्म के जो है 60 डिग्री वाले रेंज खरीदने पड़ते हैं। ये कहने को तो आपको टीन के छोटे छोटे से लग रहे होंगे, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी वजह है कि आपको इस किस्म की भी रेंज खरीदने पड़ते हैं। इनकी ये जो वॉल है, ये आप देख रहे होंगे, इसकी वॉल में और इसके वॉल में फ़र्क है। ये बाज़ वक़्त आप मशीन पे काम कर रहे होते हैं तो ये चीज़ अंदर जा ही नहीं पाती, ये वाली, तो उस वक्त आपको ये वाले किस्म के रेंज चाहिए होते हैं जिसके के अंदर ये चले जाए, तो आपको ऐसे भी रेंज चाहिए होते हैं। ये भी रेंज हैं। बाज़ वक़्त आपको इस तरह लोहे की प्लेट को काट के भी अपना खुद रेंच बनाना पड़ता है। किसी वक्त बनाया होगा मैंने, तो मुझे दिखाई देगी आज, लेकिन ये इस तरह के आते हैं ये रेंच। इनकी वॉल इंतहाई थिकनेस होती है, ये आपको हर साइज़ में मिलते हैं, लेकिन आमतौर पर ये रेंच जो चीज़ें हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की ग्राइंडर या किसी चीज़ के नट बोल्ट को जहाँ स्पेस बहुत कम होती है वहाँ इस्तेमाल होते हैं, इनके भी सेट आते हैं, ये चाहिए होते हैं। ये रहा एक और इस किस्म के रेंच चाहिए होते हैं। इसी तरह मेरे पास एक ये है, ये मैंने इसीलिए रखा हुआ था, ये एंटी स्पार्क टाइप का है, इसके अंदर स्पार्क नहीं होता, अगर ये लोहे से लोहे टकरा जाए तो ये वो चीज़ मौजूद है मेरे पास। तो ये मेरे पास सारे क्या नाम है इसके हर किस्म के रेंज मौजूद हैं यहाँ। ये रेंज, इनके बारे में अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल मालूम करना हो, कोई पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरे पास थोड़े से यहाँ हैं, बाकी मेरी कंपनी में मेरे पास पड़े हुए हैं जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ मौजूद हैं। तो लेकिन जितनी भी मालूम मैं इस रेंज के बारे में दे सकता था वो इस वक्त मैं आपको बता दिया है। तो जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।